Good afternoon, you're with me, Tanima Biswas, and our top story is ahead of Bengal politics in the run-up to the elections. Freedom fighter Netaji Subhash Chandra Bose's legacy has become a fresh flashpoint between the Trinamool Congress and the BJP in the state. Now, ahead of Prime Minister Modi's visit to Bengal on 23rd of January, the birth anniversary of Netaji, Centre announced that his birthday will be celebrated as Parakram Divas, which means a day of valour. Mamata Banerjee's Trinamool Congress, though, called the move a political opportunism and said that they will celebrate the day as Desh Prem Divas. I'm joined by Somnath Singh Roy, a TMC supporter. Mr. Roy, thank you so much for speaking to Mirror Now. What we can see is that this is another fresh war of words, which in a way is taking place ahead of the elections in Bengal, where now it's Parakram Divas versus Desh Prem Divas. And it's again BJP versus TMC in Bengal, this time over Netaji's legacy. Now, this is, with just a few months to go for the elections in the state, this is another issue which is likely to escalate. फिर आप लोग को भी मालूम पड़ गया ना, उस दिन बाद इलेक्शन है, इसीलिए ये सब हो रहा है. आप लोग को भी मालूम पड़ गया, थैंक्स फॉर दैट. देखिए, देश प्रेम पराक्रम दिवस ये एक्चुअली बंगाल में आते हैं, बंगाल में अब ये 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बर्थडे को हम देश प्रेम दिवस एज ए देश प्रेम दिवस ही मनाया था. दीदी बोला इसको देश नायक दिवस नहीं तो देश प्रेम दिवस ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं. पराक्रम दिवस ये तो ऐसे है, पराक्रमी बाहुबली जो साउथ इंडियन फिल्म था ऐसा लग रहा है, पराक्रमी बाहुबली, पराक्रमी योग, पराक्रम, ये सबसे बंगाल का जो कल्चर है वो मिलजुल हो सकते हैं. यूपी और बिहार में चलते हैं लेकिन बंगाल में नहीं चलते हैं. और देखिए, गांधी जी ने खुद बुलाया था पैट्रियट ऑफ पैट्रियट, तो उनको आप लोग आप कैसे एज ए पराक्रम. सो व्हाट इज योर ऑपोजिशन टू द वर्ड पराक्रम? इज इट बिकॉज ऑफ द टर्म दैट यू सेइंग दैट इट डिनोट्स समथिंग एल्स, और इज इट बिकॉज बीजेपी हैज सेड दैट दे आर गोइंग टू यू नो सेलिब्रेट इट दैट वे? नॉट सच एज मैम, नॉट सच एज. एक्चुअली मैं फिर भी बोल रहा हूँ पराक्रम दिवस, ये पराक्रम जो वर्ड है ना मैम, ये बंगाली कल्चर का साथ मिलजुल नहीं करते. आप बंगाल देखिए, ये जो भी हो रहा है ये बंगाल के लिए हो रहा है, ये इज अ हीरो ऑफ नेशन लेकिन इज अ बंगाली. तो आप गांव में जाएंगे, बंगाल में गांव में जाइए, वहाँ व्हाट इज पराक्रम भाई, किसी को पता नहीं है. लेकिन आप बोले देश नायक किसको कहते हैं, वो बोले नेताजी सुभाष चंद्र बोस को. किसी को पूछे देश प्रेम कहते हैं, वो बोला देश को लिए जान देने को देश प्रेम कहते हैं. यही फर्क है मैम, हम लोग जो वर्ड उन लोगों ने चुना है ना, हम उसका खिलाफ है. हम लोग ये नहीं बोल रहा हूँ 23 जनवरी ने, दीदी ने बहुत दिन पहले से बोला था जी इसको 23 जनवरी को आप नेशनल हॉलीडे ऐसे डिक्लेयर कीजिए. आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं माना है मैम. सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पर जो नेताजी सुभाष चंद्र डॉक था, जो कलकत्ता डॉक था, उसका नाम के ऊपर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लिख दिया, नेताजी सुभाष चंद्र का नाम उन लोग को एकदम डिलीट कर दिया. इससे ही मालूम पड़ जाते हैं ये लोग कितना नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मान करते हैं. सिर्फ इलेक्शन है सामने, इसीलिए ये पराक्रमी दिवस, ये यहाँ पर आके बंगाली अस्मिता को जगाने का कोशिश. Sorry to interrupt you there, but Mr. Roy, TMC also seems to be rising to the occasion. Even they are now not, backing out from this. They are also saying that this is a poll agenda, an agenda being used ahead of the elections. And, they are also coming out with Desh Prem Divas. So that is also not really, that is also using politics, right, with, over Netaji's legacy. कोई भी बंगाली जो बंगाली है उनको पूछ. हम लोग जब छोटे छोटा था ना, स्कूल में पढ़ते थे, तब भी हम लोग 23 जनवरी नेताजी बर्थडे बनाते थे, उस टाइम भी फ्लैग होस्टिंग करते थे, उसका सम्मान में हम लोग गाना भी गाते थे. आजाद हिंद फौज का जो जो गाना था वो हम लोग गाते थे मैम. ये नया नहीं है, दीदी ने नया कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन बीजेपी वाले ने नया कुछ बोलने का कोशिश कर रहा है. जो लोग इस देश स्वाधीन होने के लिए कुछ भी नहीं किया, वो लोग अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम ले रहे हैं. जो लोग कुछ दिन पहले कलकत्ता डॉक, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम में जो डॉक था, वो नाम मिटा के श्यामा प्रसाद, मैं नहीं बोल रहा हूँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी इज नॉट ऐसा नहीं है, वो सम्मानीय नहीं है, वो भी सम्मानीय है, लेकिन उसका नाम मिटा के नेताजी सुभाष चंद्र नाम को वहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम आप लोग बैठा दिया. ये कौन सा देश प्रेम है, वो कौन सा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ऊपर सम्मान दिखाने का मिस्टर राय?
Yes, please. Yes. I'm so sorry to interrupt you. Please stay with us. I'm also joined over the phone line by Priyanka Tibrewal, BJP leader from Bengal. Ms. Tibrewal, you heard Mr. Roy over there talking about the fact that this is not a sudden plan of the Mamata government. They had always celebrated Netaji as Desh Nayak and Desh Prem Divas, hence originating from that. It is political opportunism on the part of BJP ahead of the state elections. That's what TMC is saying. Your response to that? See, TMC is a sinking ship at the moment. And in order to save themselves, what they are trying to do is they are trying to hang on to these leaders so that, you know, they can save themselves. Be it Rabindranath Tagore, be it Vivekananda, or be it Subhash Chandra Bose Netaji. So this is what they are trying to do at the moment. See, if Mamata Banerjee was so concerned and if she was following the ideology so much, then why did she keep quiet for so many years when the Congress was in power? Mamata Banerjee didn't raise this issue even for once. Now that she's saying that the title leader of the nation, like it is given, should be given to Netaji, but then she never demanded the same when Congress was in power. See, you have to understand what ideology TMC is holding. They are only talking about violence. So is this what we have learned from Netaji Subhash Chandra Bose? Is this what we have learned from Swami Vivekananda? Is this what we have learned from Rabindranath Tagore? No, we haven't. So what TMC is doing at the moment in Bengal is just to save themselves, they are doing all this. Where in their rallies, they have hoardings of Abhishek Banerjee bigger than Swami Vivekananda ji. So this actually shows what respect they are giving. See, it is the Modi government who has declassified the files of Netaji Subhash Chandra Bose, which was not done by any other government. Ms. Tibrewal, Modi ji took the initiative of doing this. And not just that. See, a national award has also been announced for the police personnel for excellent work in done in the field of rescue and relief operations, which is to be given on every year on 23rd January. It started in 2018. What Tibrewal, yes, absolutely. I mean, you have made some points, but what we are trying to ask over here is that this is the fight over Bengal icons. In fact, that is what is also another charge by the Trinamool Congress, that there are, that the BJP is actually focusing on Bengali icons now with a focus on the elections, actually. And this seems to be another example of that. See, 2018, when the award was announced, elections were not there in Bengal that time, right? So, and when the declassification of the files was done, that time elections were not there in Bengal. That was done in 2016. So what Mamata Banerjee is doing this year. She hasn't done anything before that. And BJP did this when there wasn't election in West Bengal. But apart from that, let me also tell you, madam, this is just the TMC who is talking about Rabindranath Tagore, Swamiji and Netaji. But we talk about all the patriots of India, be it Sardar Vallabh Bhai Patel, be it anybody for that matter. We give equal respects to all of them. But why are they trying to say that Netaji or Rabindranath Tagore or Swami Vivekananda ji, they all only belong to Bengal and Bengalis? No, they belong to our country. They are the pride of our nation. Yes, but the point being, Mr. Roy, if I can go back to you, actually, you heard Ms. Tibrewal over there essentially saying that this is not timed ahead of the elections. The fact that there were certain announcements made in 2018 as well, 2 years back. And the fact is that it's the proprietorship over these icons. They should be seen as national icons instead of Bengali icons. That is also one of the things that the BJP is saying as a counter to your arguments. फिर भी मैं वही पहले जो बात है नहीं पहले प्रियंका जी को मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ जे कम से कम लास्ट बार उन्होंने टेगोर नहीं बोला ठाकुर बोला है रविंद्रनाथ ठाकुर ये सुन के अच्छा लगा एज बंगाली दूसरा बात मैंने जो क्वेश्चन किया था जिन ये जो कलकत्ता डॉक है उसको वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र का नाम आप लोग ने मिटाया क्यों ये मैंने वहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम क्यों डाला ये मैंने सुनना चाहता था उनका जो क्वेश्चन था मैंने सुनना चाहता था और ममता बनर्जी ने आज नहीं बहुत दिन प्रियंका जी मेरा हिसाब से नया नया टीवी में आ रहा है उनको इतना पता नहीं है ममता बनर्जी 37 टाइम्स एमपी हुआ आप देख लेना ममता बनर्जी कितना बार बोला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्मदिन है उसको नेशनल हॉलीडे हिसाब से मनना चाहिए प्रियंका जी के ये भी मालूम नहीं है आज से नहीं हम लोग जब बच्चे थे स्कूल में पढ़ते थे तब से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन हम लोग पालन करते हैं एक्चुअली यही प्रॉब्लम है मैम जिन लोगों को बंगाल का हिस्ट्री का बारे में पता नहीं है वो लोग अभी किताब पढ़ के वो लोग अभी बंगाल के बारे में जान के ये टीवी में बैठ के बात करते हैं
ऐसा बात कुछ दिन पहले मैंने आपका मिस्टर टिब्रीवाल ही इज सेइंग दैट यू आर एन आर्मचेयर क्रिटिक आई एम सो सॉरी मिस्टर रॉय बट आई हैव टू टेक दैट पॉइंट अक्रॉस मिस्टर टिब्रीवाल दे आर सेइंग दैट दीस आर आर्मचेयर टॉक मीडिया सी आई डू नॉट बिलीव इन अटैकिंग समवन पर्सनली लाइक मिस्टर रॉय डजंट हैव आंसर्स टू माय क्वेश्चंस दैट इज व्हाई ही इज ट्राइंग टू अटैक मी पर्सनली बाय सेइंग दैट आई एम न्यू ऑन टीवी सर आई एम अ बेबी इन फ्रंट ऑफ यू आई एक्सेप्ट बट यू बीइंग सो एल्डर द काइंड ऑफ वायलेंस व्हिच यू ऑल आर डूइंग is demeaning the culture of West Bengal, where in order to, you know, prove your point, you are saying that you follow the legacy. Was this the legacy of West Bengal? Was this the culture of West Bengal? Blood and violence? No, it was never. And main aaj aapko Hindi mein bol rahi hu, sir. Main ye kehti hu ki aaj agar Netaji, ya Thakur, ya Vivekanand ji, jahan bhi baithe hain, unki atma ko zar-zar kar diya hai aap logo ne, पश्चिम बंगाल में इस तरह का कल्चर दिखा करके कि आपके लीडर जो जेल से आते हैं वो टीएमसी के स्टेज पे खड़े होकर के बोलते हैं कि दूध मांगोगे खीर देंगे और पश्चिम बंगाल मांगोगे तो चीर देंगे ये सीखा है आपने सर बचपन से गाना गाते वक्त जब नेताजी के गाने गाते थे तो नेताजी ने ये सिखाया आपको प्लीज प्रूव योर पॉइंट मिस्टर रॉय डू यू हैव अ काउंटर टू दैट ओके आई बिलीव मिस्टर रॉय हैज वी विल ट्राई एंड गेट मिस्टर रॉय बैक ऑन द लाइन वंस अगेन बट ओके मिस्टर रॉय प्लीज यस गो अहेड एंड रिस्पॉन्ड नहीं नहीं मेरा जो क्वेश्चन था उसके आंसर चाहिए मेरे को कलकत्ता डॉक का नाम क्यों मिटा के नेताजी सुभाष चंद्र नाम का क्यों मिटा दिया यही मैं पूछना चाहता हूँ थ्रू में क्यों श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम हुआ यार नेताजी सुभाष चंद्र डॉक था उसको मिटा के क्यों श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम हुआ मैं कहना चाहता हूँ थ्रू थ्रू मिस्टर अग्रवाल Prashant Mukherjee, not the son of West Bengal? Netaji Subhash Chandra Bose is not the son of West Bengal? नहीं नहीं मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ आप you please tell me कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का योगदान आप कम समझते हैं नहीं नहीं you made the comparison sir you made the comparison for me both are patriots for me both are respectable For me, both are respectable. They are both patriots. It is you who is trying to demean someone. And in order to satisfy your political aspirations, you are saying all this today. So this is, sir, agar ladne ka dam hai, to ladiye na. Public se ladiye. Aap public ka samna kariye, sir. Can I bring both of you back? Yes, please, one second. Both of you, please. Can I please bring both of you back to the main point that we are looking at over here? That there seems to be a... what we can see a very aggressive politics being played in Bengal just ahead of the elections of course neither party actually backing out and the what seems to be the case is that we can see that both parties in this case are actually resorting to probably looking at who's a bigger owner or proprietor of Bengali pride or Bengali icons and in fact if I can come to you Ms. Tibrewal first for that there seems to be this tag which the TMC has been using repeatedly against the BJP of an outsider and that is something which the BJP also seems to be falling for constantly that they are trying their best in order to shed this outsider tag and your critics would say or even the TMC would say that this is yet another exhibition or attempt at shedding that tag of in a way showing the kind of interest that the BJP is showing with Netaji Subhash Chandra Bose's birthday celebrations this time. This is the kind of childish attitude which TMC has. See, just for again I'll say that for their political aspirations, they are not worried about the people of Bengal. Those Bengalis who are the migrant workers and settled in other states, they are not worried about them. Nor do they think about them. Calling others outsiders in your state, you don't even bother to think that there are so many people who are working in the other states as well. What if those states call them outsiders and they do not employ them? Mamata Banerjee is not in the position to give jobs to those who are already present in Bengal and she talks big. जिनको वो आउटसाइडर बोल रही हैं, आज वही उन्हीं लोगों की इंडस्ट्री है जो पश्चिम बंगाल को चला रहे हैं I will give the last chance for Mr. Roy to respond after before I move on. Yes, Ms. Tibrewal, you have made your point. Mr. Roy. प्रियंका जी सुबह से पेपर कल रात से टीवी नहीं देखा क्या सूरत में रास्ते में सो रहा था 14 लेबर माइग्रेंट लेबर गाड़ी कुचल के चला गया अभी भी गुजरात में That's off the topic. सर पे छात नहीं 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 मैं बोल रहा हूँ वो बोल रहा था माइग्रेंट लेबर के बारे में वही बोल रहा हूँ दैट माइग्रेंट लेबर कमिंग फ्रॉम राजस्थान जी राजस्थान में आप लोग कुछ दिन पहले भी राज करते थे That's off the topic, Mr. Roy. Let's come back to Bengal politics. If you have a comment to make, Mr. Roy, on what Ms. Tibrewal just said, please make on that. We'll have to move on after this, please. I give you the last word, but please continue
on the topic and the question that Ms. Tibrewal raised. हाँ नहीं वो प्रियंका जी ने बोला है अरे श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी रिस्पेक्टेबल आदमी है लेकिन सुभाष चंद्र बोस नहीं था क्या वो पूरे श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाली था सुभाष चंद्र बोस बंगाली नहीं था क्या तो सुभाष चंद्र बोस का नाम ही क्यों मिटा दिया ये उन्होंने अभी तक क्लियर नहीं किया मेरा जो क्वेश्चन था और देश प्रेम और देश नायक में फर्क क्या है प्रियंका जी को मालूम नहीं पड़ेगा देश नायक का देश प्रेम कौन सा शब्द है उनको मालूम पड़ेगा पराक्रमी पराक्रम सब ये पराक्रम सब जो है वो बंगाली कल्चर से मिलजुल नहीं करते आई विल हैव टू लीव इट देयर द टीएमसी एंड बीजेपी ऑफ कोर्स नॉट सीइंग आई टू आई ऑन दिस पॉइंट बट थैंक यू सो मच मिस्टर सोमनाथ सिंह रॉय एंड प्रियंका टिब्रेवाल जॉइनिंग अस ऑन दिस पॉइंट फ्रेश फ्लैश पॉइंट व्हिच हैज इमर्ज्ड इन बंगाल अहेड ऑफ द स्टेट इलेक्शंस